जय हिंद प्यारे मित्रों, आज ये वैकेंसी उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो बच्चे इस बार 10th पास किए हैं और 12th पास किए हैं। जो भी छात्र छात्राएं 12th पास या 10th पास किए हैं, इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई कीजिएगा और ये वैकेंसी आपके लिए बहुत खास है। उन बच्चों के लिए बहुत खास है जो बच्चे चाहते हैं कि हमारा ऐसा जॉब लगे जहां हमारा ज्यादा भाग दौड़ ना हो, ठीक, आराम, जहां पे आराम की जॉब अगर मिलने खोज खोज रहे हैं, तो ऐसे में आपका ये डिफेंस का जॉब सबसे बेस्ट है। यानी हम बताने वाले हैं आज इंडियन नेवी अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2024 की ये भर्ती आ गया है और इसका पूरा डिटेल, तो इसमें आप लोग जानेंगे कि ये कब से अप्लाई होगा और इसका क्या सिलेबस है और इसका क्या क्या चरण है और क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और कितने हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या सिलेबस होते हैं, क्या सैलरी होते हैं, ये सारा चीज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो तक बने रहिए और देखिए इसका। और इस बार अगर आप 10th और 12th पास हुए हैं तो इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको इंडियन नेवी के बारे में नहीं पता है कि इंडियन नेवी क्या होते हैं, तो आप सर्च मारिए इंडियन नेवी और उसका पूरा डिटेल जानिए। ये इसका काम क्या होता है, कहाँ ड्यूटी होते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं इंडियन नेवी का जो ड्यूटी होता है, ये आपको शिप जानते हैं जो जहाज होते हैं पानी, यानी कि आपका जो भी इसमें जॉब लगेगा तो आप समुद्र समुद्र में जो शिप चलते हैं, जो जहाज चलता है, उसी में आपका इसमें ड्यूटी लगेंगे। इसमें आप काम क्या करेंगे, तो उसी जो शिप है, शिप के अंदर या आपको कुकिंग करना होगा या फिर उसी के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे आपके ड्यूटी दिए जाएंगे, कुकिंग से लेकर झाड़ू पोछा से लेकर और बहुत अदर मतलब उसमें काम होते हैं। तो जो भी अगर आप इसमें जॉब के लिए अगर इंटरेस्ट हैं तो इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा, चाहे आप भारत के किसी भी स्टेट के हैं, ऑल इंडियन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मिस नहीं करना है, जरूर इसमें अप्लाई करना है, इससे बेहतर और आपके लिए नहीं हो सकता है जॉब। ये जॉब सबसे खास होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं और सबसे अच्छा होते हैं, और उन स्टूडेंट के लिए जो यंग जनरेशन इसमें मांगा जाता है, जो एकदम तुरंत पास हुए हैं, जैसे 10th और 12th अगर आप पास किए हैं अभी जस्ट ही, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका ना ज्यादा कंपटीशन नहीं होते हैं और इसका ज्यादा जानकारी नहीं होने के कारण इसमें बच्चे नहीं भर पाते हैं और इसका ज्यादा उम्र नहीं मांगा जाता है। अगर आपका ये जो डेट ऑफ बर्थ जो दिख रहा है, यानी 2003 से लेकर 2007, इन्हीं का बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तभी अप्लाई कर पाइएगा, अन्यथा नहीं अप्लाई कर पाइएगा। तो इनके बीच में यानी कि सब जो बच्चे होते हैं वो यंग होते हैं, और यंग में आप लोगों का बता दें कि ज्यादा कंपटीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं लोग भर पाते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में हो पाते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सारा डिटेल बताते हैं। तो समझ गए हैं कि इंडियन नेवी अग्निवीर SSR और MR दो यहाँ पे पोस्ट है, SSR का और MR का। ये अगर इसका नहीं जानते हैं तो हम इसके बारे में बताएंगे। तो ये दोनों जो है पद इस इंडियन नेवी के तहत आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसका अप्लाई डेट है 13 मई, 13 मई को इसका अप्लाई डेट 13 मई को, और लास्ट डेट है इसका 27 मई। अगर आपका क्वालिफिकेशन 10th और 12th अगर है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडियंस अप्लाई इसमें कर सकते हैं, मेल हो या फीमेल। जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है, डेट ऑफ बर्थ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 1 नवंबर 2003 से 30/4/2007 इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, यानी 2003 से लेकर 2007 के बीच में अगर आप जन्म लिए हैं तो आप इसमें भर सकते हैं, ठीक। इसमें अगर मान लेते हैं 2003 यानी 2002 का जन्म है, नहीं भर सकते हैं, 2008 का जन्म है, नहीं भर सकते हैं, इन्हीं का बीच होना चाहिए।
अब आपको बताते हैं कि जैसे 12वीं पास और 10वीं पास है, दो पोस्ट है और दोनों के लिए क्वालिफिकेशन अलग है। देखिए एसएसआर में अगर आप 12वीं किए हैं तो एसएसआर में अप्लाई कर सकते हैं, और 12वीं में का चीज सब्जेक्ट होना चाहिए तो आप साइंस होना चाहिए। अगर आप साइंस लिए हैं, आईएससी अगर आप पढ़े हैं, ठीक, आईएससी में अगर आपका फिजिक्स और मैथ और इसके साथ चाहे आपका एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री या बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर, अगर इन तीनों में से कोई अगर एक है और ये दोनों सब्जेक्ट किए हैं तो आप एसएसआर के लिए एलिजिबल हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसमें अगर नहीं है तो फिर आप एमआर में अप्लाई कर सकते हैं। एमआर ओनली 10 पास, चाहे आप इसमें साइंस किए हैं या नहीं किए, यानी आईएससी किए हैं या नहीं किए हैं, इसमें आपका साइंस है या नहीं है इससे मतलब नहीं है। इसमें आर्ट्स वाला भी भर सकते हैं, 12वीं किए हैं आर्ट्स वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आप में आपका सब्जेक्ट नहीं है फिजिक्स मैथ के साथ बायोलॉजी या केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस नहीं किए हैं आर्ट्स वाले। तो ध्यान रखिएगा, 12वीं पास वही स्टूडेंट भर सकते हैं जो आईएससी किए हैं, यानी आप साइंस लेकर पढ़े हैं। ये चीज आप समझ गए होंगे कि एसएसआर और एमआर में कौन भर सकता है। एमआर भरिए आप, इससे ये थोड़ा सा पद नीचा है तो आप इसमें भर सकते हैं, ठीक। सैलरी की बात बताएं कि इसमें अच्छा खासा सैलरी भी दिया जाता है, ज्यादा इसमें हार्ड नहीं है। सीप में रहना है आराम से, पानी वाला इलाका में रहना है, तटीय क्षेत्र में, समुन्द्र में रहना है, बस लोग तो घूमने जाते हैं दहाज लेकर, लेकिन आपको उसमें ड्यूटी लगेंगे। सैलरी आपका कितना होगा? फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 मिलेंगे, सेकेंड ईयर में आपको उसको सैलरी बढ़ते चला जाता है, यानी 33,000 हो जाएगा, थर्ड ईयर में 36 और उसके बाद फोर्थ ईयर में 40,000 हो जाएंगे। ये सैलरी आपका बढ़ते जाता है। अब बात करते हैं इनका प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटेन आपको सीबीटी आपको देना पड़ेगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने होगा, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें हो जाता है रिटेन एग्जाम। रिटेन एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, पीएफटी, उसके बाद मेडिकल। ये आपको तीन चरण है, तीन चरणों से गुजरना होगा, रिटेन एग्जाम, पीएफटी, मेडिकल, ठीक। उसके बाद ये जब आप सिलेक्शन प्रोसेस तीनों ये दोनों के लिए एसएसआर और एमआर, और इनका थोड़ा सा सिलेबस अलग है एसएसआर और एमआर के लिए। एसएसआर के लिए सिलेबस जो है साइंस मैथ इंग्लिश जीए, ये आपके चार चीज पढ़ना पड़ेगा। फिर से सुनिए, साइंस मैथ इंग्लिश और जीए। साइंस में आपको 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं 25 नंबर का, मैथ में आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं 25 नंबर का, इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर का, जीए में भी 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर का। टोटल इसका क्वेश्चन जो होने वाले हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। टाइम आपको दिया जाएगा 60 मिनट, यानी एक घंटा का टाइम रहेगा। निगेटिव मार्किंग आपका कट जाएगा 0.25, ये ध्यान रखिएगा। ज्यादा आपका रॉन्ग नहीं करना है, रॉन्ग कीजिएगा नंबर आप जितना सही किए हैं उसमें से भी आपका कट जाएगा, ज्यादा नहीं करना है, जितना उसमें से बनाने आ रहा है उतना ही बनाइए। इसका कट ऑफ जो जाता है वो देखिए, ज्यादा कंपटीशन तो नहीं होता है इसमें, आपका इसमें कट ऑफ जो होंगे अगर 100 में से अगर आप 50% से ऊपर अगर ला लेते हैं तो आपका चांस है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका चांस है कि इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। वही में बात करते हैं एमआर का सिलेबस क्या है। तो इसमें साइंस, क्योंकि ये एमआर है 10वीं के लिए और एसएसआर है 12वीं के लिए, तो एमआर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ साइंस और मैथ और जीए। यहाँ पे एक चीज देखिएगा ध्यान से, एसएसआर में और एमआर में एक सब्जेक्ट जो है ना, ये दिक्कत होता है कि एसएसआर में इंग्लिश आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पे एमआर में इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको सिर्फ साइंस और मैथ दीजिए। इसमें आपका टोटल 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 50 नंबर का। टाइमिंग यहां से यहां टाइमिंग कम है, टाइमिंग आपका यहाँ पे 30 मिनट ही ओनली है, वो भी नेगेटिव मार्किंग उतना। अब यहाँ पे 30 मिनट, यहाँ पे 60 मिनट, यहाँ आधा घंटा है, यहाँ एक घंटा है, यानी यहाँ पे डबल तो क्वेश्चन है। यहाँ 100 क्वेश्चन आपको करना है, यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन ही करना है, इसलिए आपका टाइमिंग जो है
वो 30 मिनट का दिया जा रहा है। तो ये रहा ये दोनों का सिलेबस। अब हम जानते हैं कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होंगे मेल और फीमेल के लिए। तो देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए जो यहाँ पे मेल और फीमेल है वो ध्यान दीजिएगा कि आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। रनिंग में आपका होंगे मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर रनिंग करना होगा, यानी जितना आर्मी का इंडियन आर्मी का रनिंग होता है उतना ही इसका इंडियन नेवी का रनिंग करना पड़ेगा। बट यहाँ पे टाइमिंग दिया जाएगा, इंडियन आर्मी में टाइमिंग थोड़ा सा कम होता है और यहाँ पे टाइमिंग आपको दिया जाएगा, यानी यहाँ पे 6.5 मिनट का टाइम रहेगा। और वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर आपको दौड़ करना है बट टाइम यहाँ पे रहेंगे 8 मिनट। यहाँ पे स्क्वाट की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 20 लगाना है और फीमेल के लिए 15। और बेंड नी की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए नहीं होगा, फीमेल के लिए 10। और पुशअप के लिए आपको मानना पड़ेगा मेल के लिए 12 और फीमेल के लिए पुशअप नहीं है। और हाइट, ये हाइट जो है ये हाइट बहुत मतलब कम है, यानी मेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर, जो कि लगभग सभी इस कैंडिडेट का होगा ही। अगर उतना छोटा है तो फिर तो आप डिफेंस लाइन में जाने लायक नहीं है। 157 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए होना चाहिए 152 सेंटीमीटर। तो ये रहा इसका PFT। और ये PFT जब आप कर लीजिएगा तब आपके बुलाए जाएंगे मेडिकल के लिए। मेडिकल हो जाएगा तब आप ले जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दीजिए, DV करवा लीजिए, तब उसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ठीक, तो अगर आप 12वीं और 10वीं अगर कर लिए हैं, इस बार किए हैं, ये हर साल वैकेंसी निकलता है लेकिन इसमें वही अप्लाई कर पाते हैं जिनका जानकारी होता है, जानकारी नहीं होने के कारण इसका फॉर्म नहीं भर पाते हैं और इस फॉर्म को छोड़ देते हैं। तो ये याद रखिएगा अप्लाई डेट 13 मई को हो रहा है, लास्ट आपके 27 मई, बहुत कम टाइम दिया जाएगा। और ये सारा जो प्रोसेस है ये फास्ट होते हैं क्योंकि हर साल इनको कराना होता है, तो ये बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। तो इसमें भरिए और बहुत जल्दी सरकारी नौकरी प्राप्त कीजिए। ठीक, बाकी अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप जुड़े नहीं रहेंगे तो जो ये आप वैकेंसी देख रहे हैं ये वैकेंसी कैसे आपको पता चलेगा। इसलिए कोई भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना हो, अपडेट प्राप्त करना हो, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक, कोई भी ऐसा जानकारी हो, ऐसा कोई डाउट हो, कोई ऐसा सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।